हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर, यूनिट फिफ्थ, एक्सरसाइज फिफ्थ पॉइंट फोर। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इसमें लैंग्वेज की क्वेश्चन है। 5.4 में सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम वीडियो ये कोई लैंग्वेज लिखते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए हमने लैंग्वेज पहले ही लिख ली। आप सिर्फ समझें, ठीक है। अपनी बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 44 है जी, अपनी बुक ओपन कीजिए और इनकी हिंदी समझिए। एन ऑडिटोरियम कैन बी होल्ड 15,000 पीपल। एक ऑडिटोरियम है स्टूडेंट, जैसा जहाँ श्रोता बैठते हैं, है ना। तो स्टूडेंट वहाँ उसकी क्षमता जो है, उसमें व्यक्ति बैठने की जो क्षमता है उसकी 50,000 की है, 50,000 की। ड्यूरिंग एन एग्जीबिशन 32,892 पीपल वर अलाउड इन द फर्स्ट फेज। स्टूडेंट, एक नुमाइश के दौरान उसके पहले चरण में 32,890 व्यक्ति को इजाज़त दी गई, यानी कि अलाउ किया गया उसमें बैठने के लिए। एंड रेस्ट अलाउड इड इन द सेकेंड फेज। और दूसरे चरण के लिए जो बचे हुए हैं वे सब दूसरे चरण में बैठेंगे। हाउ मैनी पीपल वर अलाउड इड इन द सेकेंड फेज, तो बताइए तीसरे चरण में, सेकंड चरण में कितने व्यक्ति अलाउडेड थे, यानी कि कितने व्यक्ति बैठे। स्टूडेंट, टोटल क्षमता कितनी थी, 50,000, और पहले में बैठ गए 32,890। तो आपको बताना है सेकंड में कितने बैठेंगे। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम आपको कि एक कमरा है, एक कमरे में 10 व्यक्ति आ सकते हैं एक कमरे में 10 व्यक्ति आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, 5 व्यक्तियों को एक बार बैठने के लिए परमिशन दी गई। तो बताना आपको भाई, जब दूसरा नंबर आएगा तो कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप 10 में से 5 माइनस कर दें तो आपको वहाँ पता चल जाएगा भाई 5 बैठेंगे, है ना। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। लैंग्वेज दूसरे तरीके से भी बन सकते हैं, जो हमने बनाया है इस तरीके से भी बनती हैं, और भी तरीके हैं, बन सकती हैं। तो देखिए, एन ऑडिटोरियम कैन होल्ड द पीपल, एक ऑडिटोरियम में कितने व्यक्ति आ सकते हैं, 50,000। अलाउड पीपल इन फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में कितने लोगों को अनुमति मिली, 32,890 को इन्हें अनुमति मिली। अलाउड इड पीपल इन द सेकेंड फेज, तो स्टूडेंट द्वितीय चरण में कितने लोगों को अनुमति मिली वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसे सोल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 हो जाएंगे। देखिए, अगर हमें स्टूडेंट ये 0 है और ये भी 0 है, अगर हम 0 में से 0 माइनस करेंगे तो केक लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 0 ही लगा देंगे, है ना। अब यहाँ 9 है, ऊपर 0 है, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते स्टूडेंट। तो हम इससे कैरी लेते हैं, फिर इससे लेते हैं, फिर इससे लेते हैं, ठीक है। इसके पास कुछ भी नहीं है, अभी 0 है, तो 5 के पास है, तो हम 5 से एक कैरी इधर लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ 4 रह जाएंगे, ये लिखना ज़रूरी है। अब 10 पे से एक आप इधर लेंगे, यहाँ भी 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएंगे, ओके स्टूडेंट। अब आप इधर लेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएंगे और यहाँ 9 रह जाएंगे, ठीक है जी। अब आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 माइनस कर लीजिए, 1 आ जाएगा, और 9 में से 8 माइनस कीजिए, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 2 माइनस कीजिए स्टूडेंट, 7 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस कीजिए, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो सेकंड फेज में अलाउडेड हुए पीपल वे इतने थे, कितने, 17,110 पीपल। ओके स्टूडेंट,
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर टू, बुक में ध्यान दें। ऑल द स्कूल इन ए सिटी हैव प्लांटेड ए टोटल ऑफ 32,880 प्लांट ड्यूरिंग ए गो ग्रीन ड्राइव। स्टूडेंट, एक कैंपेन चलाई गई जिसका नाम गो ग्रीन था, है ना। उसमें सभी शहर में जितने भी स्कूल थे उन सभी स्कूलों ने भाग लेते हुए 32,880 प्लांट लगाए, ठीक है जी। इफ द सोनम्स स्कूल हैज प्लांटेड 10,500 प्लांट, जो सोनम का स्कूल था उसने 10,500 प्लांट लगाए, पौधे लगाए। हाउ मैनी प्लांट हैव बीन प्लांटेड बाई रेस्ट ऑफ द स्कूल्स। तो स्कूल जो भी और बाकी स्कूल थे, स्टूडेंट आपको बता रहे हैं उन स्कूलों ने कितने पौधे लगाए, ठीक है जी। तो देखिए इसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी। टोटल प्लांट प्लांटेड, यानी कि टोटल पौधे लगाए गए कितने लगाए भाई, 32,880, है ना। सोनम स्कूल प्लांटेड प्लांट, सोनम के स्कूल ने पौधे लगाए 10,500। रेस्ट स्कूल प्लांटेड द प्लांट, बचे हुए जो स्कूल थे उन्होंने पौधे कितने लगाए। तो स्टूडेंट माइनस कर लेंगे, जीरो में से जीरो माइनस कर दिया, जीरो ही आएगा। एट में से जीरो माइनस करेंगे तो एट का 80 रहता है, और एट में से फाइव माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 3, और टू में से जीरो माइनस करेंगे 2, और जी 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। ओके स्टूडेंट, आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, 0 0 0 8 0 8, और 3 और 5 8, और 2 और 0 2, और 2 और 1 3। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब सोल्यूशन नंबर 3, तो स्टूडेंट बुक देखिए, बुक में देखेंगे अपनी सोल्यूशन नंबर 3। द सम ऑफ 3 नंबर, स्टूडेंट 3 नंबर हैं दिए गए हैं, और सम माने होता है जोड़, टोटल, योग, है ना। इन तीनों का योग, तीनों नंबर का योग टोटल है स्टूडेंट वो 181,911 है, ठीक है जी। एंड टू नंबर आर, अगर उनमें से दो नंबर 112,562 एंड 60,151, अगर उनमें से दो नंबर ये है जो दिए, अभी नंबर बोले हमने स्टूडेंट, ये नंबर दिए है अगर उनमें से दो हैं जी, तो फाइंड द थर्ड नंबर। तो स्टूडेंट आपको तीसरा नंबर बताना कितना है। इन तीनों का टोटल आपको दे रखा, दो नंबर आपको बता दिए गए स्टूडेंट ये है, तो आपको तीसरा नंबर बताना क्या है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए, ठीक है जी। स्टूडेंट मान लीजिए तीन नंबर है कोई, है जी, उनका टोटल 10 है तीन नंबर का, तो उनमें से दो नंबर है स्टूडेंट, एक तो 5 है एक 2 है, ये दो नंबर है स्टूडेंट, तो आपको तीसरा नंबर बताना। तो आप क्या करेंगे, तीसरा नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इन तीनों का टोटल 10 है जी। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो दो नंबर दिए गए उन्हें ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 7। तो स्टूडेंट आप 10 में से आप 7 माइनस कर देंगे, भाई दो नंबरों का टोटल इतना है, अगर इसमें तो हम दो नंबरों का माइनस कर देंगे तो तीसरे का बच जाएगा, तो स्टूडेंट 3 आ गया, है ना। तो देख लीजिए, अगर आप 3 + 5 + 2 को करें तो स्टूडेंट 10 आएगा ना, तो तीन नंबर ये थे 3, 5, 2, इनका ये आंसर 10 था, ठीक है जी। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, ये वाला था। सेकंड नंबर क्या था,
ये था द सम ऑफ टू नंबर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड कर देंगे और तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ऐड करिए टू और वन थ्री, सिक्स और फाइव अलेवन, कैरी वन, फाइव और वन सिक्स और वन सेवन, टू और जीरो टू, सिक्स और वन सेवन और जीरो वन वन। तो स्टूडेंट ये आ गया, ये दो नंबरों का टोटल है जैसे कि हमने अभी निकाला था द सम ऑफ थ्री नंबर। तो स्टूडेंट इन तीनों नंबरों का जो टोटल है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। अब द सम ऑफ टू नंबर, तो स्टूडेंट द सम ऑफ टू नंबर ये है ना, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। दो नंबरों का जोड़ जो था इनका पहले दूसरे का वो यहाँ पे लिखना, क्या है जी थ्री वन सेवन टू सेवन वन, ठीक है जी। अब इन्हें सो द थर्ड नंबर, इसलिए तीसरा नंबर क्या होगा, तो स्टूडेंट यहाँ अलेवन हो जाएंगे, अब यहाँ जीरो रह जाएंगे। तो आपने स्टूडेंट अलेवन में से थ्री माइनस कर लीजिए, है ना, तो थ्री सा काउंट कर लेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, थ्री थ्री सिक्स सेवन एट, तो स्टूडेंट क्या आ गया एट आया, एट लिख दिया वन इधर चला गया था तो यहाँ जीरो रह गई थी, इधर ले लेंगे यहाँ टेन हो जाएगा स्टूडेंट और यहाँ एट रह जाएगा, है जी। टेन में से वन माइनस कर दिया नाइन बच गए स्टूडेंट, यहाँ एट एट में सेवन गए वन, अब यहाँ वन है वन में से टू नहीं जाएगा तो यहाँ अलेवन हो जाएंगे, अलेवन में से टू माइनस कर देंगे नाइन बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ सेवन रह जाएंगे, सेवन में से सेवन माइनस करेंगे जीरो आ जाएगी और वन में से वन माइनस करेंगे यहाँ भी जीरो आ जाएगी। तो स्टूडेंट जो तीसरा नंबर है वो 9198 है। तो स्टूडेंट तीनों नंबर पता चल गए, एक ये और एक ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, देख लीजिए अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो इन तीनों का आंसर ये आएगा, ठीक है जी। तो इन तीनों का आंसर ये आएगा, चाहे आप ऐड करके दे दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर, अपनी बुक ओपन कीजिए और इसकी हिंदी समझ लीजिए। राजेश एंड कासिम टूगेदर स्टार्ट ए ब्लैंकेट फैक्ट्री। स्टूडेंट दो दोस्त थे राजेश और कासिम, दोनों ने मिलकर एक कंबल की फैक्ट्री स्टार्ट की, शुरू की। दे मैन्युफैक्चर्ड 135,730 ब्लैंकेट ड्यूरिंग ऑन सीजन। उन्होंने जब सीजन चल रहा था स्टूडेंट, मौसम चल रहा था कंबलों का, तो उस समय उन्होंने 135,730 कंबल बनाए एंड 240,568 ब्लैंकेट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। और जब सीजन बंद हो गया, ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया मौसम उनका कंबलों का स्टूडेंट, तो उन्होंने 240,568 कंबल बनाए। हाउ मैनी मोर ब्लैंकेट डिड दे मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। तो स्टूडेंट इसी लाइन को समझने की आवश्यकता है, क्या कह रहा है कि उन्होंने ऑफ सीजन में कितने अधिक कंबल बनाए, सीजन से उन्होंने ऑफ सीजन में कितने अधिक कंबल बनाए। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ सीजन में उन्होंने अधिक बनाए, तो जब सीजन नहीं था तो उन्होंने ज़्यादा कंबल बनाए। तो स्टूडेंट हम हमेशा ज़्यादा में से जो कम होता है उन्हें माइनस करते हैं, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अगर हम ऑफ सीजन के कंबलों में से सीजन वाले कंबल माइनस कर दें तो हमें आंसर निकल आएगा। मान लीजिए स्टूडेंट उन्होंने एक इसे इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में ले लीजिए, उन्होंने सीजन में 8 कंबल बनाए और उन्होंने ऑफ सीजन में 10 कंबल बनाए। तो स्टूडेंट आप बताओ उन्होंने ऑफ सीजन में कितने अधिक बनाए, है ना, तो सीजन में 8 बनाए थे और ऑफ सीजन में 10 बनाए, तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे, 2 कंबल
ज़्यादा बनाए, ये तो एक एग्जाम्पल था। ओके स्टूडेंट, आप चलो देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज। नंबर ऑफ द ब्लैंकेट मैन्युफैक्चर इन ऑफ सीजन। तो स्टूडेंट ऑफ वाली जो ऑफ वाला नंबर जो है वो बड़ा था हमारा, तो इसे ही ऊपर लिखना होगा, चाहे बाद में ही क्यों ना आया। ठीक है जी, तो उन्होंने सीजन ऑफ सीजन में कितने कंबल बनाए, इतने। नंबर ऑफ द ब्लैंकेट मैन्युफैक्चर इन द सीजन, तो स्टूडेंट उन्होंने सीजन में कितने कंबल बनाए, ये कंबल बनाए। ओके स्टूडेंट, तो अब मोर ब्लैंकेट मैन्युफैक्चर इन द ऑफ सीजन, तो उन्होंने ऑफ सीजन में कितने अधिक कंबल बनाए, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जीरो में से एट माइनस करेंगे एट ही रहेगा, सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे थ्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ फाइव है, फाइव में से सेवन माइनस नहीं होने के वजह से एक ले लेंगे, यहाँ फिफ्टीन हो जाएंगे और फिफ्टीन में से आप सेवन माइनस करके एट आ जाएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ टेन हो गए थे, तो यहाँ पे से एक इधर चले गया तो यहाँ नाइन रह गए थे, और यहाँ से एक के लिया था आपने, यहाँ थ्री है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये फाइव थोड़ा सा उधर को चला गया था। तो स्टूडेंट यहाँ नाइन है, नाइन में से फाइव माइनस कर दिए फोर आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, तो थ्री में से थ्री माइनस करेंगे जीरो, और यहाँ टू है, यहाँ वन है, वन टू में से वन माइनस कर दिया वन। ठीक है जी, तो आंसर आ गया, तो इतने कंबल उसने अधिक बनाए ऑफ सीजन में। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर फाइव। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव। देयर वर 256,387 वीट बैग इन ए गोडाउन। स्टूडेंट एक गोदाम है, उसमें गेहूँ के 256,387 बैग रखे हैं, बोरे रखे हैं। 85,639 बैग वर रिमूव। तो स्टूडेंट उसमें से 85,639 बैग चले गए। फाइंड द नंबर ऑफ द बैग लेफ्ट इन द गोडाउन, और बताने आपको स्टूडेंट वहाँ पे कितने बैग बचे। मान लीजिए उस गोडाउन में 10 बैग थे स्टूडेंट, और उसमें से 6 रिमूव हो गए, तो कितने बचे, 10 में से 6 माइनस कर लो 4 बचे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो देखिए कैसे होता है। नंबर ऑफ द वीट बैग इन ए गोडाउन, टू लैख 56,387, और नंबर ऑफ द वीट बैग रिमूव, यानी कि जो गेहूं के बैग थे बोरे थे वे चले गए, कितने, इतने चले गए स्टूडेंट। नंबर ऑफ द लेफ्ट बैग बैग्स इन गोडाउन, इक्वल टू, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ सेवन है, सेवन में से नाइन माइनस नहीं हो रहेगा, तो यहाँ 17 हो गए स्टूडेंट, और यहाँ सेवन रह गए, तो स्टूडेंट 17 में से हमने 9 माइनस कर दिए, तो कितने रह जाएंगे, 8, और 7 में से 3 माइनस कर दिए 4, और ये 3 है, 3 में से 6 ले जाने के, तो स्टूडेंट यहाँ पे 13 हो जाएंगे, यहाँ 5 रह जाएंगे। अब 13 में से 6 माइनस कर दिए 7, और 5 में से 5 माइनस हो गए 0,
ओके स्टूडेंट, अब ये फाइव है, फाइव में से एट माइनस इन होने के तो यहाँ फिफ्टीन हो जाएंगे, यहाँ वन रह जाएंगे। फिफ्टीन में से एट माइनस कर दिए सेवन, अब यहाँ वन रह गया, वन में से जीरो गया वन। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, अपने आंसर की जांच करते हैं सही है नहीं है, तो चेक कर लेता है। नाइन और एट सेवनटीन कैरी वन, और जी थ्री और वन फोर, फोर एट, और जी सिक्स और सेवन थर्टीन कैरी वन, और फाइव वन सिक्स, और जी सेवन और एट फिफ्टीन कैरी वन, वन वन टू, तो सही आ गया स्टूडेंट, है ना। तो जी ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.5.4 भी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है जी, तो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके स्टूडेंट, थैंक यू। स्टूडेंट ये यहाँ पे इसमें माइनस के चिन्ह थे, इनमें सब में माइनस के चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है जी।